मार्केट में क्या घरों से भी ये कर रहे हैं फ्रॉड का काम। ठीक है, ऑनलाइन कोई मंगवा रहा है, देख लिया भाई ये पेयर है, ये पेयर सही नहीं है, ये निकाल के दे देता है। मैं हूँ यार, मेरा एक पेयर का इशू जिसका अभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी फसला था, मैंने नुकसान में उस बंदे को रिटर्न कर दिया, मैंने आगे सेल नहीं किया। मुझे पता है कि मेहनत से कोई भी पैसे लगा रहे मेहनत से आते हैं, तो मैं यहाँ पे वीडियो का बिल्कुल एंड तक देखें और मुझे बताएं काइंडली कि मैंने सही किया कि नहीं किया। मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सारी रिकॉर्डिंग्स, वॉइस चैट्स, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत बहुत ख़ास और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे करने वाली हूँ, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। बात सारी ये कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ वो मैंने कवर कर लिया, काफ़ी सारे लोग कवर नहीं कर सकते। मैंने बहुत बहस की, बहुत कुछ था जो मैंने किया, तो मेरी अमाउंट जो लगी थी मुझे काफ़ी हद तक वो वापस मिल गई। तो मैंने सोचा कि मैं अब नहीं करूँगी, पहले मैंने कहा था कि मैं उस बंदे की वीडियो बनाऊँगी, उसको रिवील करूँगी, बट और फिर मैंने कहा जब एक चीज़ वापस हो गई मैं क्यों करूँ। मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीरें स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, लाजमी आप लोग देखें और मुझे फिर बताइएगा कि मैंने सही किया या गलत किया। और इसके अलावा मैं सारी कहानी आप लोग ये देख लें, फिर आप लोगों को बताती हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से जो लोग फ्रॉड करते हैं किसी के साथ और गलत करते हैं, खुदा का खौफ करें। दुनिया में आप चंद पैसों के पीछे किसी के साथ आप गलत कर रहे हो, आपको क्या पता वो बंदा कहाँ से पेमेंट लेकर आ रहा है, वो कहाँ से कोई चीज़ लगा रहा है, आप नहीं जानते हो। चंद पैसों के पीछे आप इतना इंसान को ख्वार कर देते हो। तो मैंने तो कहा बस, मेरे साथ तो अब नहीं होगा ये, मैंने काफ़ी बर्दाश्त किया। और ये वीडियो मेरा समझने वो भरास है जो मैं निकाल रही हूँ, ये मैं हर जगह अपलोड करूँगी। सॉरी टू से मैं नहीं रुक सकती, मैं अपना ज़मीर नहीं रोक सकी। आपने गलत किया क्यों? आपने पेमेंट वापस कर दी, आधी पेमेंट मुझे आपने वापस करी है, और जो है मैं कितनी मुश्किल में डिलीवरी चार्जेस मैंने अगेन दी, विंटर्स मतलब सीज़न था उसमें मैंने अपना एक पेयर खो दिया। लेकिन ये गवारा नहीं था कि एक चीज़ मेरे साथ हुई है तो मेरी तरह की कोई और लेडीज़ है या कोई और लड़की है उसके साथ भी हो, स्पेशली लड़कियों के साथ तो ये है मसला। अब बात ये होती है कि अक्सर जो लेडीज़ हैं, अगर कोई देख रहा है लेडीज़ में, आप कोई अगर बर्ड का काम कर रहे हो, मैं अभी फ़िलहाल परिंदों की दुनिया में हूँ, मैं इससे हट के नहीं हूँ, ठीक है, तो आप लोग डिलीवरी करवा लेते, आप लोग डिलीवरी करवा लेते हैं और फिर आपके साथ हो जाता है ठीक ठाक का फ्रॉड, वो मक्खन के ऊपर चूना लगा के, चूने के ऊपर मक्खन लगा के कर देते हैं। तो ये बहुत है, चाहे ये दुकान वाले हों, चाहे ये कोई घर वाले हों, ये बहुत है। मैं आज कोई एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसी पेयर से फिर मेरा जब वो पेयर चला गया, मैंने उसके अंडे ट्रांसफ़र कर दिए अपने किसी और पेयर के साथ। आगे से वो फरमाते हैं कि आपको अपडेट लेनी नहीं आ रही, आपके साथ कोई इशू हो रहा है। तो वही पेयर ने माशाल्लाह उसी के बच्चे, उसी के अंडे से एक बच्चा निकाल भी लिया। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये आज की वीडियो है टोटली, मैं अभी ये बहुत जल्दी में बना रही हूँ सिर्फ इसलिए कि आज की चीज़ आपको आज ही नज़र आ जाए। यहाँ पे कोई और भी है जो इसके बारे में कोई कमेंट देना चाह रही हैं, कहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि कितने सेल्फिश लोग होते हैं ना, जिस पे ट्रस्ट करके एक चीज़ बंदा खरीद रहा है, वो भी सोचते हैं कभी वो कोई चीज़ खरीदे लोगों, हाँ कोई चीज़ लोगों से खरीदे और उनको इतना बड़ा लॉस हो तो उन पर क्या गुजरी है, जूते पाने चाहिए लोगों को। मैंने इसे खुद कहा कि ऐसे लोगों को बायकॉट करो और इनकी डिटेल आगे चलो, लोगों को ना पता होना चाहिए कि ये ऐसे लोग हैं जो जिन पर ट्रस्ट किया है, मीडिया बन के बात करते हैं, उसके बाद इतना बड़ा धोखा देते हैं। तो सोचो इनको सोचने को मजबूर करें, इनको बायकॉट करो। और मैं तो बिल्कुल राजी हूँ, इसलिए जो भी आपको बताया चलो मैं राजी हूँ इस बात में कि इसने आपसे चीज़ें शेयर। और रही बात वो 3-4 हज़ार वाला पेयर, उसके जाल लेते ना वही 5.5 हज़ार रुपया जाल लेट की बात करो, मार्केट की बात करो, मार्केट वैसे ही है ना 2000 रुपये चलती है, दोनों पेयर मुझे वापस दे दें। आपको मार्केट का आइडिया नहीं है, जो अगर आप बेचने के लिए जो बोलता है उसको नहीं, आगे दूसरे को फॉरवर्ड करेंगे, यही बात अपने लगभग में खैर मर दिया। दोनों पेयर मुझे वापस दे दें, बच्चे लेंगे टैक्सी, बच्चे लेगा दूसरे पेयर सही पेयर मिल जाएंगे, जो चाहिए बता दें, मुझे वाले पेयर दोनों वापस दे, अपनी पेयर से ना ब्रेड लेकर खाऊंगा, अगर ब्रेड लेकर खाई तो फिर आप बताइए क्या चार रही था। तो इस वजह से आपके पास बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको ब्रेड लेने का तरीका नहीं आता आता, तो इस वजह से आपके पास ऐसा हो रहा है, आपके ओपन जगह पर रखे होंगे, जो भी बताओगे बच्चे की तस्वीर में देख ली थी, फीडिंग हुई थी उसको शुगर क्यों मरा हुआ था। तो फिर मैं तो लेकिन ज़्यादा सब तरीके ब्रेड लेंगे, आप मुझे भेज दें और जो चाहिए उसके बदले में बता दें। फोन का मेल है 3 बच्चों के साथ, ये पेयर है ये चाहिए, तीनों बाइक की फीमेल है, फोन का मेल है 3 बच्चों के साथ 10,000 रुपये, 10,000 रुपये बच्चे के बाद में आपको होगा उसका देख लेंगे।
ये कंडीशन है उस अंडे की जो मैंने अभी तोड़ा है, तो अभी मैं हाथ धोकर आई हूँ। ये देखें, एक अंडे से कल बच्चा निकाला वो उसने मार दिया, और ये एक अंडे की कंडीशन है जो अभी होल हो रहे थे ना, इसको मैंने खोला तो ये कंडीशन है अंडे की। तो ऐसे होता है, ये फर्टाइल एग्स नहीं कर रहा है, और बहुत जो है ना, ये पैर है, दोनों पैर बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, अव्वल तो फर्स्ट बीट ये है नहीं, फर्स्ट बीट के पैर है नहीं, मुझे फर्स्ट बीट का कहा था। और ये अंडे इसके, एक अंडा मैंने कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, अब मैं सारे अंडे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना नहीं लगता कि ये बच्चे निकालेगा। सही है, ये अंडा एक देखा, पहले भी इसने तीन अंडे दिए हैं, तीन में से एक निकाला, बहुत मुश्किल से उसको बचाया, बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से वो अंडा बचाया है उसने। और मैंने फिर वो किसी और पेयर के नीचे रखा था। अभी ये मुझे नहीं पता डेड एंड शेल हो गया है या इसको मुझे निकालना है, तो मैं फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि लोग कैसे बात सुने। मैंने 7,000 का पेयर आपसे लिया था, 6,500 का मार्केट रेट हो, जार लेट हो, आपने गलत चीज़ दी। आप वापस करो, मैं रखूँगी, रेट्स में निकालती हूँ कितने का आपने दिया था। ये देखो, ये पेयर रिपेयर का मुझे कितने का दिया था, या वापस करो, मेरे डिलीवरी चार्जेस लगे थे, डिलीवरी चार्जेस क्या खुद दोगे, मैं आपको अभी भेज रही हूँ, मैं नहीं रखूँगी। आप लो, आपको तरीका आता है ना, आप लो, मुझे नहीं लेना। आप लो, आपने मुझे दोनों पेयर खराब किए हैं, ये सामने आपको मेरे वीडियो भेज दिए, मेरे बाकी भी ब्रीड कर रहे हैं, अगर वो नहीं कर रहे होते ना तो आप कह सकते हैं तरीका नहीं आता। तो आप रखो अपने पास, आप सीखो, आपको तो ये नहीं पता था कि मेल फीमेल का फर्क क्या, दोनों मेल उठा के आपने दे दिए और मुझे कह रहे हो आप तरीका नहीं आता। चेक करना रेट बहन, आपके लिखने से कुछ नहीं होता, मैंने इतने की चीज़ें मतलब मेरे सब सीन तो है नहीं कि 400 रुपये मार्केट में है, उसमें खुद वॉइस सुन लें और आनी जाके उस वॉइस में बताया भी है, मैं 10 बॉक्स नहीं खरीद के लाया हूँ, 400 रुपये के हिसाब से 350 हिसाब से आपको बताया, और 400 रुपये हिसाब से बहुत ज्यादा अभी मार्केट जाकर चेक करना रेट चेक किया, 400 रुपये बॉक्स है, 400 रुपये बॉक्स दिया, 600 रुपये देते बोले थे, मैं आपको देख नहीं सकता 300 रुपये का बॉक्स, 10 बॉक्स खरीदे तब जाकर उसमें 370 रुपये 350 रुपये बॉक्स दिया था, 10 बॉक्स खरीदने पर वैसे 400 रुपये रेट रहेगा, जाकर पता करना, पता करना, लेकिन कुछ मतलब अपनी देख लूँ, 5,000 का बेचा मैंने से, फिर वो उससे कुछ नहीं होता, मुझे पता नहीं कितनी चीज़ें मैंने टोटल किया था 6,900 रुपये मुझसे ले लीजिए, मुझे बॉक्स और भेज दिए, डिलीवरी चार्ज मैं पे नहीं करूँगा, दूसरी कोई बात नहीं है, जो कैश लिया था वो वापस दूंगा, जो चीज़ें दी थी वो वापस लूँगा, दूसरी कोई बात नहीं है। सही है, कैश डिलीवरी के चार्जेस मैं पे नहीं करूँगा, इसमें समझ में भेज रहा हूँ, भेज दीजिएगा, नहीं भेजना हूँ अब दूसरी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपसे तमीज़ से बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको तमीज़ से बात करनी आ नहीं रही। सही है ना, तो मैंने आपसे बहुत तमीज़ से बात करी, मैं आपसे वापस लेने को तैयार हूँ, कोई वापस नहीं लेता, मैं वापस लेने को तैयार हूँ, फिर भी आप बताने करोगे आप झूठे, आप ये आप वो, तो मैं हूँ ठीक है, जो करना कर दो, अब दूसरी कोई बात नहीं है, जितने दिए थे उतने वापस मिलेंगे, भेजना है भेजें, नहीं भेजना मत भेजें, अपने पास रखें, जो करना कर लें, इससे 1 रुपये भी ऊपर नहीं मिलेगा, नीचे मिलेगा, 6,900 रुपये भेजे थे, 6,900 रुपये वापस दूंगा, पेयर और बॉक्स दोनों चीज़ें मुझे वापस भेजिए, मुझे पेयर मैंने कितने का दिया, बॉक्स कितने का नहीं दिया, 400 का दिया, 10,000 का दिया, वो मेरा मसला है, मैंने जितने पैसे लिए थे पेयर और बॉक्स दिया था वही दूंगा वापस, आपने जैसे जो अब इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं, बॉक्स वाले 10,000 का दियो या 100 रुपये का दियो, वो मेरा जो चीज़ मैंने जितने की दी थी वो मेरा मसला है, आप मैंने जिस
ये पता नहीं कौन कौन क्या क्या कहानियां सुनाता रहता है। इसमें मेरी वैन फर्टिलिटी नहीं होती तो बाहर आने बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ब्लड इंशन मेनली दो वजह से होता है, जो पूरा बच्चा बन के बाहर नहीं निकल पाता। पता नहीं कौन क्या क्या कहानी सुना रहा है फर्टाइल। बाइक की अगर वाकई बर्ड्स मुझे भेजते हैं शॉपर वगैरह में डाल के दिए जैसे मैं भेजता था, और उसको बाइक वाले को दे दें, भेज दें, डिलीवरी चार्ज उसको मत दिएगा, मैं उसको यहीं से दे दूँगा। बाकी जो भी पैसे वो लेगा वो मैं माइनस करके आपको भेज दूँगा। या अगर उसकी जो चार्ज है वो देना चाहें आप वहीं से तो आप दे दीजिएगा, आपकी मर्जी, जैसे आपको सही लगे बोलें तो उससे कम करवा लें, या फिर आप पहले देना चाहें तो पहले दे दीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। जो भी है आप मुझे पेमेंट करो हाथ के हाथ, मैं ऐसे नहीं भिजवा सकती कि मैं आपको भिजवा दूँ, आप वहाँ से पेमेंट करेंगे, आप गाड़ी आप बाय क्या कर दो या मैं कर लेती हूँ, जो भी जैसे भी करना है बता दो, और जैसे ही मेरे पास पेमेंट आएगी मैं उसको कर दूँगी। आप जो करना है जरा जल्दी बता दें मेरे। मसला पैसों का है नहीं, मसला चीज़ का है। अभी आपके पास उसने ब्रीड किया है, 6-7-8 अंडे दिए, अब अल्लाह ने अगर उसमें कोई कमज़ोर हुआ हो या किसी का, मैं तो भाई देखें एक नाखून भी नहीं होता ना वो बैड भी नहीं खरीद, नाखून भी नहीं होता ना वो बैड भी नहीं खरीदता, होता ना वो बैड भी नहीं खरीदता मैं तो। अब मैंने तो आपको बिल्कुल सही चीज़ भेजी थी, अब उसने भी ब्रीड ब्रीड किया, कुछ कमज़ोर हुआ हुआ कुछ भी हुआ हुआ, और फिर मेरे पास आ जाओ मैंने पेमेंट कर दिया, तो ऐसी बात आप कभी वापस नहीं होगी, तो मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो फिर मैं फंस जाऊँगा, तो ऐसी बात है। अब मैं ये कर सकता हूँ बोले तो मैं आपको आधी पेमेंट भेज दूँगी, आप जैसे आप बोलें, लेकिन अगर ऐसे पूरी पेमेंट कर दूँगा और कोई हो सकता है आप ना भी करें, आप खुद नहीं कर रहे हो कोई आपको, क्योंकि इतनी नॉलेज भी नहीं है, हो सकता है ये जो दिया था ना आपने, ये रहा आपका पेयर, नजर आ रहा है आपको क्या इसमें, क्या वीकनेस है जरा मुझे देख के बताओ, क्या वीकनेस है इसमें, जिस पेयर ने अंडे ही नहीं फर्टाइल किए उस पे क्या वीकनेस है, अंधे हो क्या आप, नजर नहीं आ रहा आपको सामने। हाँ बेटा माइंड नहीं कीजिएगा, हो जाता है इस तरह की बातों में, मतलब हो सकता है कुछ उन्हें भी गुस्सा आ गया, उन्होंने ऐसी कोई बात कर ली हो, और आपको कोई भी कभी कोई इशू हो आप मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकती हैं, कोई मसला नहीं, कोई चीज़ आपको सेल करनी हो, कोई चीज़ आपको परचेज करनी हो, आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते। वीडियो के साथ साथ मैंने सोचा कि ये बर्ड्स मेरे पास सेल के लिए आए हुए हैं, किसी को चाहिए हो तो, ये ऑस्ट्रेलियन है लेकिन माशाल्लाह काफ़ी अच्छा पेयर है और ब्रीड के लिए सेट है, ये सारे इन पेयर के ही बच्चे हैं, बहुत खूबसूरत कलर्स हैं, यूनिक कलर्स में हैं, किसी को चाहिए हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ व्हाट्सएप कर दिएगा। इनोपाइट का, और उसके बाद मैंने काफ़ी, मैंने इनसे दो पेयर लिए हैं, एक वीपाइट इनो के फीमेल में, तो एक पेयर लिया था उसमें इनो की फीमेल, इनो पाइट की फीमेल थी और पाइट का मेल, बट क्या दोनों मेल निकले, मैंने उनको छोड़ दिया, तब भी वो नहीं मान रहे थे कि मैंने ऐसी कोई गलती की है। मैंने अब उसकी भी अगर मैं स्क्रीनशॉट दिखाने बैठी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो नहीं मान रहे थे। खैर मैंने उसके साथ फीमेल का पेयरिंग की और अभी मेरे पास पाइट का मेल बचा हुआ है। दूसरा ये कि मैंने इनसे फिंच लिए दो पेयर, उन्होंने अंडे दे के सब ज़ाया कर दिए, मतलब कि ये बंदा यार जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बंदा ये रहता है अंडा मोर पे, मैं इसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि इन लोगों ने रिटर्न कर लिया था इनके वालिद ना के बाद की, और वो थोड़े से जाहिर सी बात है कि उनके वालिद से मेरी बात हुई, वो अर्ज़ कर रहे हैं कि बच्चा है उसको पता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता अंकल कि ये जो है ना बच्चा है और वो काम कर रहा है, काम तो बेसिकली आप भी जानते हैं क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो कंटिन्यू वो मुझे यूज़ ही कर रहा था कि ये पेयर दे दिया वो पेयर दे दिया, और काफ़ी चिक्स भी हमने लिए हैं जो मर गए। तो बात सारी ये वीडियो बनाने की ये है कि भाई जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, लड़कियाँ हों और लड़के हों, इस काम में बहुत यकीन आपने नहीं करना और बहुत ख्याल रखना है, ये बंदा अंडा मोड़ पे रहता। मैंने तो अपना पेयर वापस करवा दिया है, और 6,700 का मैंने पेयर लिया था, 300 का मुझे बॉक्स मिला था, 300 मेरी डिलीवरी चार्जेस गए थे, तो इस बंदे ने कहा कि आपने 400 का बॉक्स लिया है और जो है 6,500 का आपने पेयर लिया। मैंने उनको स्क्रीनशॉट दिखाई तब भी ये नहीं मान रहे थे, जब मैंने इनको धमकियां देना स्टार्ट की हैं तो ये अपनी लाइन पे आए हैं, और उन्होंने अपने वालिद साहब से मेरी बात करवाई है और उन्होंने बहुत तमीज़ से बात की, बहुत बेटा बेटा मुझे कहा उन्होंने,
बट ये कोई सीन नहीं बनता कि इतना आपका बेटा फ्रॉड कर रहा है, आपका बेटा इधर उधर चीज़ें सेल कर रहा है, कैसे कर रहा है और आपको पता ही नहीं है। तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, सीज़न है मेरे पास, पेयरिंग हुई हुई थी, वो पेयर मेरा हो गया ज़ाया, अंडे मैंने किसी और पेयर के नीचे रखे हैं और आज ही उसी के अंडे में से उस पेयर ने जो बच्चा अंडे के अंदर फंसा हुआ था माशाल्लाह वो बच्चा निकाल लिया। मैं यहाँ ये सब बस इसलिए कि किसी का नुकसान होने से बच जाए, यकीन किसी पे नहीं करें ये, और लगा लगाया पैर कभी भी नहीं लें, कोई आगे आपको लगा लगाया पैर सेल नहीं करेगा, आपको लेना है आप पट्ठे लो, आप थोड़ी एज में छोटा लो या आप अलग अलग जगह से लेकर आप आगे जो है ना अपनी पेयरिंग करो, इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त, किसी को अगर बुरा लग रहा है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो धोखा देते हैं, जो झूठ बोलते हैं, मेरी नज़र में अब जो है ना मैं उनको नहीं बर्दाश्त कर सकती, अपने कॉन्टेक्ट में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ। मैं अब बस ख़त्म कहानी रोके, और जो लेडीज़ हैं प्लीज़ आप डिलीवरी करवाना बंद करो, डिलीवरी के चक्कर में ना ये लोग नहीं सोचते, ये लोग नहीं सोचते हैं, लोग सिर्फ ये, मैंने अपना एड लगाया था कि मुझे एलोवेरा चाहिए तो बंदा वहाँ पर भी हाजिर था कि आपको मिल जाएगा, इतने पैसे होंगे इतने पैसे होंगे, मतलब ये बंदा इतना नीडी मुझे नहीं पता था। लेकिन आप फ्रॉड नहीं करो किसी के साथ, मेरा टाइम हो गया ज़ाया, बट ये लास्ट था जो मैंने किया, अब मैं मुतमईन हूँ और उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को जो है ना मेरी वीडियो से ये हो गया होगा कि यार ये चीज़ अब नहीं करनी। मैं चाहती तो मैं ये पेयर बहुत अच्छे दामों में सेल कर सकती थी, बाकायदा मुझे इस बंदे ने ये भी कहा था कि मुझे ये मैं आगे सेल करूँगा तो मुझे कंडीशन देखनी है, इसकी कंडीशन अभी क्या है, मतलब 7,300 की मैंने चीज़ ली है और 6,400 में मैं रिटर्न कर रही हूँ, उसके बाद भी बंदा बोल रहा है कि मैं कंडीशन देखूँगा उसके बाद पेमेंट माइनस होगी। बंदा तो भाई सलाम था उसको, और रिकॉर्डिंग से डिलीट कर दी वरना मैं दिखाती कि मैं ये पेयर आगे सेल करूँगा। तो पेयर आप देख लो सही से भाई, जिसने ले लिया उसकी तो फिर नवारे ही आ रही हो जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत तंग किया इस पेयर ने और ये आगे सेल करता, मुझे इस बात से बिल्कुल आइडिया हो गया कि ये बंदा इसने झूठ बोल के मुझे, भाई जब वो अंडे देने की मशीन है आप अपने पास रखो, आप उससे अंडे लो, आप क्यों सेल कर रहे हो। तो खैर मेरा ख़त्म हो गया, अल्लाह इन लोगों को नेक हिदायत दे, जो लोग मेरे पास था मैंने आगे सेल नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी के साथ गलत करूँगी मेरा आगे आएगा। तो ठीक है, अब बस यही कि वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि सबका फ़ायदा हो जाए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।